हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज आयुष मेटी। इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 जनवरी 2020 के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एडिटोरियल एनालिसिस प्लस द टेलीग्राफ का एनालिसिस हम करेंगे, और साथ में थोड़े बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज में आपको देता जाऊँगा। जितने भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं द हिंदू को छोड़ के, इसमें हम उनको डिस्कस करेंगे। पहला जो हम बात करते हैं, टेक अवेज फ्रॉम बोडो कोड। बोडो कोड की बात हो रही है। बात क्या है, देखो बोडो इशू क्या है वो समझते हैं पहले। बोडो एक सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी है जो कि असम के नोटिफाइड शेड्यूल ट्राइब्स में आती है, असम में। और बोडो कचरी नाम का एक लार्जर अम्ब्रेला ग्रुप है, उसके अंदर बोडो आते हैं। और बोडो अगर मैं बताऊं अगर परसेंटेज की, तो असम की जनसंख्या का 5 से 6% है। इन्होंने डिमांड की कि हमको बोडो स्टेट चाहिए, हमको अलग ही राज्य चाहिए। और इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी प्लेन्स ट्राइबल काउंसिल के दम पे बात कही। 1985 में असम मूवमेंट बढ़ता चला गया। 87 में ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन आया, और धीरे धीरे जो इनकी आर्म्ड ग्रुप निकल के आया, बोडो सिक्योरिटी फोर्स आर्म्ड ग्रुप था, जो कि वॉयलेंस वगैरह करने में, वीपन्स इकट्ठे करने में काफ़ी आगे था। अब ये बेसिकली एक बोडो जो टेरिटोरियल काउंसिल है जो कि मैनेज करता है इनका, मतलब ये जो बोडोज हैं ये किन के द्वारा मैनेज होते हैं, बोडो टेरिटोरियल काउंसिल के द्वारा। इनको मैनेज करने वाला बोडो टेरिटोरियल काउंसिल है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि सिर्फ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आती है और ऑटोनॉमस है। और दो बोडो अकॉर्ड्स पहले हो चुके हैं। दूसरा बोडो अकॉर्ड जब बना था, जब ये बोडो टेरिटोरियल काउंसिल बना था, तीसरा अब हुआ है। तो तीसरा जब हुआ है अभी, अब देखो हुआ क्या था कि शुरू में बोडो ऑटोनॉमस, बोडोलैंड ऑटोनॉमस काउंसिल था, बाद में इसे बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बना दिया गया, बोडो लैंड टेरिटोरियल काउंसिल। अभी ये ऑटोनॉमस बॉडी है, ये बोडो वगैरह का जो एरिया है उसको हैंडल करता है, जो भी मैनेजमेंट होता है। अमित शाह ने अभी इनके साथ डील करके शांति स्थापित करने की कोशिश की, एक एग्रीमेंट किया जिनमें कहा गया कि भैया जितने भी वीपन्स वगैरह हैं सब आप जो छोड़ दोगे, वीपन्स अपने सरेंडर कर दोगे, आर्म्ड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। और ये बहुत ज़रूरी था, लेकिन बात ही निकल के आ रही है जब इनसे पूछा कि भैया अब देखो ये मैप देखो, आप ये आप मैप देख सकते हो, एग्रीमेंट क्या बोलता है कि जिस तरीके से तुम वॉयलेंस वगैरह कर रहे थे गलत था, वॉयलेंस वगैरह अब छोड़ दो। हालांकि जो इनकी स्टेटहुड की डिमांड थी, ये कह रहे थे कि हमको अलग स्टेट चाहिए। इस पे जो असम के चीफ मिनिस्टर है, असम के मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि ये स्टेटहुड की डिमांड भी इस एग्रीमेंट के साथ ख़त्म हो जाएगी। हालांकि जो लीडर है बोडोस के, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने इस सेटलमेंट में स्टेटहुड की डिमांड छोड़ी नहीं, राज्य तो हमें अलग चाहिए, एरिया हमें अलग चाहिए। अब हालांकि एग्रीमेंट में ये कहते हैं कि नेगोशिएशंस कंप्लीट हो चुके हैं बोडो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, उनकी डिमांड का सोल्यूशन हो चुका है, स्टेट ऑफ असम की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बनी रहेगी, यानी कि अलग स्टेट नहीं दिया जाएगा। हालांकि ये पता नहीं फिर क्यों कह रहे हैं बोडो जो ग्रुप्स हैं कि हमें स्टेटहुड जो है वो हम बाद में सोचेंगे। तो गाइज ये था हमारा आर्टिकल, इसमें और कुछ भी नहीं था, वैसे कुछ बातें थी। सरकार ने बोडो कचरी वेलफेयर काउंसिल भी बनाने की सोची है और काफ़ी ज़्यादा काम करने की सोची है। इंडियाज़ इम्पोर्ट्स ऑफ पाम ऑयल, देखो पाम ऑयल की बात कर रहे थे, तो पाम ऑयल न्यूज़ में इस वजह से है क्योंकि इंडिया के पास दो तरह के पाम ऑयल आते हैं। एक तो हमारे पास आता है कच्चा क्रूड पाम ऑयल, दूसरा आता है हमारा रिफाइंड ब्लीच्ड डिओडोराइज्ड पाम ऑयल। अब हमने क्या किया है कि जो क्रूड पाम ऑयल है ना, उस पर तो इम्पोर्ट ड्यूटी कट कर दी और रिफाइंड वाले पे इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। अब बात यह है कि हमने ये क्यों किया। देखो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने महाथीर महबीर बिन मोहम्मद ने कई बार हमारे जो डिसीजंस हैं इंडिया के, उनको क्रिटिसाइज़ किया, जम्मू कश्मीर वाले पे मान लो देख लो। इससे हमने जो है रिटेलिएट करते हुए मलेशिया से जो पाम ऑयल आता था रिफाइंड वाला, उन पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी। अब मलेशिया काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाम ऑयल एक्सपोर्ट करता है, तो उसकी इकोनॉमी को नुकसान पहुँचेगा। ये हमने बदले की भावना से किया, पॉलिटिकल रीजन नहीं था,
कोई ऐसा है नहीं, लेकिन आप ये देखो कि जो पाम ऑयल है उसको कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया, वो बैन नहीं किया गया, रेस्ट्रिक्ट किया गया है। और मलेशिया से नहीं, जितने भी कंट्रीज से आता है उनमें हमने रिफाइंड ऑयल पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी, और CPO जो क्रूड पाम ऑयल है वो फ्रीली अभी भी इम्पोर्ट हो सकता है, कच्चा तेल अभी भी इम्पोर्ट हो सकता है फ्रीली, कच्चे तेल पे कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई। रिफाइंड जो होता है भाई, एक होता है कच्चा तेल, कच्चे तेल में कुछ कमियां रह जाती हैं उनको पूरा करने के लिए उसको प्रोसेसिंग की जाती है, उसमें रिफाइंड किया जाता है, तो रिफाइंड पाम ऑयल बन के आ जाता है। तो जो रिफाइंड है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई है, और सिर्फ मलेशिया पर नहीं लगाई, कई सारी कंट्रीज पे जो भी आते थे हमारे पास रिफाइंड पाम ऑयल पे लगा दी। तो ये कह नहीं सकते कि हमने मलेशिया से बदला करने की कोशिश की है, क्योंकि जितने भी कंट्रीज हैं उन पे हमने ये इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने की सोची है। अब बात करते हैं पाम ऑयल की। देखो, पाम ऑयल जो है वो घरों में यूज़ नहीं होता ऐसे, ये केवल मार्केट वगैरह में यूज होता है, और ये सबसे चीपेस्ट एडिबल ऑयल है। वनस्पति जो आप बोलते हो, वनस्पति होता है इसके अंदर, हाई टेम्परेचर भी स्टेबल रहता ही है, और रीयूज इसका कर सकते हो आप, बार बार डीप फ्राइंग भी इसमें कर सकते हो, हालांकि घरों में यूज नहीं होता, मैं रिपीट कर देता हूँ। क्रूड जो पाम ऑयल है वो कंटिन्यू इम्पोर्ट होता रहेगा, उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हालांकि जो रिफाइंड पाम ऑयल पे उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी हमने लगा दी, तो अब जो रिफाइंड पाम ऑयल आएगा उन पर हमने इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी तो महंगे हो जाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम जो है घरों में यूज करते हैं नहीं, तो रिटेल जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगी नहीं, फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगी नहीं। एक होती है हमारी हेडलाइन इन्फ्लेशन जो कि फूड इन्फ्लेशन होती है, एक होती है हमारी कोर इन्फ्लेशन जिसमें फूड के अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी इन्फ्लेशन देखी जाती है। तो फूड इन्फ्लेशन को कभी कभी हेडलाइन इन्फ्लेशन भी कहते हैं, और अभी जो फूड इन्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन है, वो 7% के आसपास पहुंच गई है, और इसकी मेन वजह प्याज टमाटर के दाम बढ़ना है। हालांकि जो कोर इन्फ्लेशन है वो अभी भी 3% के आसपास है। आपको पता है RBI का टारगेट रहता है कि हम 2-6% के बीच में इन्फ्लेशन रखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जाने देते, ना 2 से कम होने देते हैं। हालांकि रिटेल इन्फ्लेशन जो है बढ़ा है, इस वजह से RBI भी अभी झटका लग रहा है RBI को, हालांकि RBI इस पे काम करेगी। इंडोनेशिया मलेशिया दुनिया की 85% जो है वर्ल्ड का पाम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया अमोंग द बिगेस्ट बायर्स है। इंडोनेशिया मलेशिया रिफाइंड पाम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। हालांकि जो मलेशिया है वो बहुत अच्छे तरीके से रिफाइंड पाम ऑयल देता है, और इंडोनेशिया जो है वो कच्चा देता है। हालांकि इससे जो है इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करता है इन दोनों कंट्रीज से। अब कच्चा जो तेल आता है ना, उसमें देखो ऐसी फैटी एसिड होते हैं, गम्स होते हैं, वैक्स लाइक सब्सटेंस होते हैं, उनको रिफाइन करने से ये सारे जो एसिड्स हैं, ये फिल्टर्स हैं, सब बाहर निकल जाते हैं, इसलिए रिफाइन करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे रिफाइन करने पे, अब देखो रिफाइंड जब हम ऑयल मंगाते हैं तो एक तो उन पे पैसा, उन पे वो महंगे होते हैं कच्चे तेल से, और ऊपर से उन पे इम्पोर्ट ड्यूटी और लगती है, ऊपर से कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो यहाँ पे जो हमारी इंडस्ट्री वाले हैं वो ऐसे कह रहे हैं, हमारी जो देश में रिफाइनिंग इंडस्ट्री है वो कह रही है कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो रिफाइंड ऑयल पे, ताकि कच्चा तेल हम ज़्यादा खरीदें, कच्चा तेल हम ज़्यादा, भाई रिफाइंड ऑयल पे अगर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ गई तो रिफाइंड ऑयल महंगा हो जाएगा, उसको कोई ख़रीदेगा नहीं, और क्रूड ऑयल है जो हम खरीदेंगे, वो क्रूड ऑयल को यहाँ पे लग के रिफाइन कर देंगे। अब मलेशिया ने क्या कहा है, मलेशिया ने कहा है कि भैया ऐसी बात है कि हम रह गए छोटी इकोनॉमी, हम हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि जैसे USA और चाइना ट्रेड वार कर रहा है, इंडिया के ट्रेड वार तो नहीं कर सकते हम, तो यहाँ पे भारत ने जो है इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी, इसका कुछ हम कर नहीं सकते। हालांकि मलेशिया का जो पाम ऑयल है उसकी प्राइस गिर जाएगी, मलेशिया की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा। इंडिया और मलेशिया के बीच में मलेशिया इंडिया कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी है, जिसके तहत हमको इम्पोर्ट ड्यूटी रिड्यूस करनी थी लेकिन हमने तो बढ़ा दी। अब होता क्या है कि इंडिया क्या कर सकता है, लाइसेंस दे सकता है। मान लो कि देश दुनिया में अगर भारत कहता है कि पाम ऑयल अगर हम इम्पोर्ट करेंगे तो उस पर 10% की ड्यूटी लगेगी। अभी जो जो मलेशिया है उस पे अगर हम छूट देना चाहें कि मलेशिया कहता है कि ऐसा मत करो, तो हम मलेशिया को स्पेसिफिक लाइसेंस दे सकते हैं कि ठीक है आपका जो तेल आएगा उस पे आपको इम्पोर्ट ड्यूटी इतनी नहीं लगेगी, आपको स्पेशल हम छूट देते हैं, वो लाइसेंस जो इशू कर सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो मलेशिया को फिर नए बायर्स ढूंढने पड़ेंगे। किसानों का इम्पैक्ट नहीं होगा इस पर डायरेक्ट, क्योंकि और किसानों को फ़ायदा भी होगा,
क्योंकि अगर पाल्म ऑयल की इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ती है, अगर हम उन पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाते हैं और उनकी प्राइसेस बढ़ जाती है, तो किसानों को जो है अच्छे दाम इन पर मिलेंगे और किसानों को भी ज़रूरत भी है। गाइज ये थी इंडियन एक्सप्रेस वाली वीडियो, हम दूसरे न्यूज़पेपर की तरफ। अच्छा कोरोना वायरस देखो, कोरोना वायरस 2800 कैसे निकल के है, 37 जो चाइना के बाहर आए हैं और 106 के करीब जो है लोगों की डेथ बताई जा रही है। एक इजरायली जर्नलिस्ट तो यहाँ तक कह दिए कि बायोलॉजिकल वीपन है। देखो होता क्या है कि जो युद्ध वार जो वगैरह जो होता है, एक हम लड़ते हैं वीपन से। अब कई बार क्या है, बायोलॉजिकल वीपन और केमिकल वीपन्स बनाने की कोशिश की गई, इनका यूज भी किया गया, इनको रोकने के लिए ट्रीटी भी है। तो बायोलॉजिकल वीपन और केमिकल वीपन बनाना बैन है, लेकिन चाइना का पता नहीं, चाइना हो सकता है अंदर ही अंदर बायोलॉजिकल वीपन बना रहा हो। बायोलॉजिकल वीपन मतलब ऐसा वीपन जिसमें बीमारियाँ हैं, एसिड वायरस वगैरह है, बैक्टीरिया वगैरह है, जो कि दुश्मन आर्मी भी हम छोड़ देते हैं और उससे जो है वो बीमारियों में लुप्त हो जाते हैं। तो ये एक कोरोना वायरस बायोलॉजिकल वीपन माना जा रहा है, जो चाइना अंदर ही अंदर प्रोड्यूस करता था, वो लीक हो गया गलती से। तो ये बात जो है ये कही जा रही है कि इस तरीके से कोरोना वायरस निकल के आ रहा है। दूसरे वीडियो की तरफ हम, दूसरे न्यूज़पेपर की तरफ हम बढ़ते हैं। ये हमारा फाइनेंशियल एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस से हम बात करते हैं द रियल स्टील। स्टील के बारे में बात करेंगे, एल्युमिनियम के बारे में बात करेंगे और केमिकल और टेक्सटाइल के बारे में बात करेंगे। बजट 2020 आ रहा है। कोई भी देश जिसके पास रिजर्व होते हैं बॉक्साइट के और कोल के, उसके पास एक एडवांटेज रहता है कि वह एल्युमिनियम प्रोड्यूस कर सकता है अच्छे तरीके से। भाई एल्युमिनियम बहुत अच्छे तरीके से बना सकता है। इंडिया के पास 5th लार्जेस्ट रिजर्व हैं बॉक्साइट के और कोल के। एल्युमिनियम को, अब एल्युमिनियम जो बनता है, एल्युमिनियम को मेटल ऑफ द फ्यूचर भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत हाई टेक्नोलॉजी यूज़ होता है ना एल्युमिनियम का। अब 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है हमारा, स्ट्रॉन्ग डिमांड भी है, डोमेस्टिक एल्युमिनियम इंडस्ट्री भी बढ़ रही है, ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। हमारा जो प्रोडक्शन है वो, अब देखो प्रोडक्शन हमारा इतना नहीं है, मतलब प्रोडक्शन हमारा इतना नहीं है, हालांकि रिजर्व हमारे पास बहुत सारे हैं, रिजर्व हमारे पास कई सारे हैं, मतलब हमारे पास माइंस वगैरह हैं, लेकिन हमने जो है उनमें माइनिंग स्टार्ट नहीं की। हमारे पास रिजर्व बहुत है लेकिन गवर्नमेंट मना कर रखी थी अब तक, और उल्टा हमारे पास कोल के रिजर्व थे, उसके बावजूद भी हम बॉक्साइट और कोल जो है इम्पोर्ट करते थे, इम्पोर्ट करते थे काफ़ी ज़्यादा जो है मात्रा में, इम्पोर्ट करते थे रिजर्व होने के बावजूद भी। हालांकि सरकार ने कभी ऑर्डिनेंस लाया है, सरकार उस ऑर्डिनेंस में जो है काफ़ी कुछ रेस्ट्रिक्शंस अपलिफ्ट की गई है, जिसमें कोई पहले ये था कि इन कोयल की और बॉक्साइट कोल की जो खदानें हैं, माइंस हैं, उनमें माइनिंग केवल वो लोग कर सकते हैं जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब कोई भी कर सकता है। तो इस पर कॉम्पिटिशन बढ़ने के चांसेस हैं, इसमें जो प्रोड्यूसर्स आएंगे माइनिंग करेंगे और हमारा रिजर्व जो है उन पे से हम रॉ मटेरियल निकालेंगे और हम जो है हमारी डिमांड पूरी करेंगे। तो इसके अब दिक्कत ये है कि ये चीज़ बॉक्साइट में भी होनी चाहिए, मतलब हमने कोल में तो कर दिया, बॉक्साइट में भी ये चीज़ आनी ज़रूरी है। लेकिन और प्रोसेसिंग जो पीरियड है वो अभी बहुत ज़्यादा होता है, अप्रूवल पीरियड काफ़ी ज़्यादा है, उस पर भी हमको सोचना पड़ेगा। इंडिया हमारा अभी एल्युमिनियम रिक्वायरमेंट का 60% इम्पोर्ट कर रहा है, जबकि सफिशिएंट कैपेसिटी हमारे पास बहुत सारी है कि हम इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं देश के अंदर, उसके बावजूद भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। और यूएस चाइना ट्रेड वार भी चल रहा है, इस वजह से जो है एल्युमिनियम की जो है काफ़ी हाई टैरिफ्स लग गए हैं, और इस वजह से हो सकता है कि देश भर में जो देखो होता क्या है कि चाइना, जैसे मान लो कोई भी दो देश हैं, जैसे चाइना मतलब एल्युमिनियम अगर इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है किसी भी देश को, तो अब वो चाइना पे लग रहे हैं इंपोर्ट टैरिफ। तो चाइना किसी भी देश का एल्युमिनियम बेचने कोशिश करता है तो महंगा हो जाता है और एल्युमिनियम बिकता नहीं है उस देश में। अब वो ऐसी देश में एल्युमिनियम बेचना चाहेगा जिस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम लगती है, तो सीधा सीधा रास्ता उसको दिखता है भारत का। चाइना भारत में जो एल्युमिनियम बेचने की कोशिश करेगा, डंपिंग करने की कोशिश करेगा, तो भारत को इससे सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि चाइना के पास एक्सेस कैपेसिटी है, चाइना के पास भर भर के एल्युमिनियम है। इंडिया एक डंपिंग ग्राउंड नहीं बन सकता, इंडिया को अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी, इसके लिए इंडिया को इंपोर्ट ड्यूटी लगानी पड़ेगी। और साथ में इंपोर्ट ड्यूटी हम चाइना पे तो लगा नहीं सकते केवल चाइना पे, वरना ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगा। हमको पूरे एल्युमिनियम पे, पूरी दुनिया में जो एल्युमिनियम हमारे देश में आ रहा है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगानी पड़ेगी। तो इससे बढ़िया है ना कि हम देश में जो एल्युमिनियम बनाना शुरू कर दें, तो इंपोर्ट ड्यूटी लगा भी दे तो हमारे देश के अंदर सारी ज़रूरतें पूरी हो जाए। और जो दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है कि इंडिया बहुत कम ड्यूटी लगाता है स्क्रैप पे। भाई एक जो हमारे पास रॉ मटेरियल आता है बाहर से एल्युमिनियम का, उस पर बहुत कम ड्यूटी लगाते हैं चाइना, रशिया वगैरह, यूएसए बहुत ज़्यादा यहाँ पे ड्यूटी लगा के चलते हैं, तो हमको ये ड्यूटी लगा के चलनी पड़ेगी। और एल्युमिनियम काफ़ी एक अच्छा ग्रीन मेटल माना जाता है, रिसाइकिलिंग के लिए भी काफ़ी पोटेंशियल है। और हमको देखना पड़ेगा कि देखो दुनिया क्या करती है, अमेरिका वगैरह ये क्या करते हैं, जो कचरा जो होता है, कचरा जो स्क्रैप बच जाता है, उसको है ना जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में भेज देते हैं, डंप कर देते हैं इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज़ में। तो हमको इनको देखना पड़ेगा, क्योंकि
में हाई लीड कंटेंट होता है, रेडियो एक्टिव पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, तो हमको देखना पड़ेगा कि हम घर के अंदर ही स्क्रैप बना लें, रॉ मटेरियल बना लें और उससे जो फिनिश प्रोडक्ट बना लें। हमको बाहर की किसी कंट्री पर जरूरत नहीं पड़ेगी डिपेंड रहने की, और बाहर का कोई मटेरियल आता है तो उसमें अगर हाई लीड कंटेंट होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, तो उससे हम बच सकते हैं। ठीक है, 100% जो इम्पोर्ट हम कर रहे हैं अभी स्क्रैप का, रॉ मटेरियल जो होता है एल्युमिनियम का, उसका हम इम्पोर्ट कर रहे हैं 100%, उसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। और हमारा जो साइज है डोमेस्टिक मार्केट का काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, फ्यूचर पोटेंशियल भी है, तो अगर प्राइमरी एल्युमिनियम इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी तो हमारी $5 trillion की इकोनॉमी भी पूरी हो जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ये करेंगी। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हम जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार लाने की कोशिश करें। बात कर रहे हैं केमिकल और टेक्सटाइल की, $5 trillion की इकोनॉमी हमको बननी है, तो इन्वेस्टमेंट हमको चाहिए, तो हम टेक्सटाइल और केमिकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। ये दोनों इंडस्ट्री है जिसमें हमको पॉजिटिव बजट इंटरवेंशन चाहिए। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कई बार कोशिशें की कि इंडिया को ग्लोबल हब बनाया जाए केमिकल्स और टेक्सटाइल्स के लिए। इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल केमिकल इंडस्ट्री में 2% है, तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है, हम अपना शेयर बढ़ा सकते हैं और केमिकल और टेक्सटाइल मार्केट में काफ़ी कुछ कर सकते हैं, और इसमें नौकरियाँ भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आ सकती हैं, क्योंकि ये जो है टेक्सटाइल और केमिकल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा नौकरियों को लाने की ताकत रखता है। अब शॉर्ट टर्म मेजर लॉन्ग टर्म मेजर दोनों ज़रूरी हैं, हमको देखना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म चैलेंजेस को हम सुलझा दें और लॉन्ग टर्म चैलेंजेस को भी हम सुलझा दें, ताकि और चैलेंज क्या है, वर्कफोर्स को डेवलप करना पड़ेगा केमिकल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वर्कफोर्स को डेवलप करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को लाना पड़ेगा और आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो सकता है। यह है द ट्रिब्यून, ट्रिब्यून में हम पढ़ेंगे द कॉर्पोरेट विश लिस्ट, इसमें हम बात करेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर की। ओवरऑल एक हम क्राइटेरिया लेने जा रहे हैं कि इस बजट में क्या क्या डिमांड है किस किस इंडस्ट्री की। ऑटोमोबाइल सेक्टर की मैं मानूँ तो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। फेम सेकंड हमारी स्कीम आई है जिसके अंदर 10,000 करोड़ रुपये हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए रखे हैं, 1,000 करोड़ रुपये उसमें चार्जिंग स्टेशन के लिए हैं। इस बजट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव्स होंगे कि होने की आशा की जा रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है बढ़ावा मिलेगा। अब लॉन्ग टर्म डिज़ायर यही रह गई कि हमको जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चाहिए, उसके लिए चार्जिंग स्टेशन भी चाहिए, और जब तक लोगों को सुविधाएं नहीं मिलेगी, मतलब मैं ऐसे कह रहा हूं, अगर कोई भी व्हीकल को जितना हम उसमें पेट्रोल डाल सकते हैं उस आसानी से ही अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज कर सकें, तब तक जो है लोग खरीदेंगे नहीं, तब तक इतनी आसानी हमको नहीं मिलेगी। कॉस्ट का भी हमको देखना पड़ेगा। और ऑटोमोबाइल सेक्टर ये कह रहा है कि GST रेट घटा दो, 28% से 18% कर दो, ताकि जो लोग हैं जिनकी गाड़ियाँ महंगी पड़ रही हो लोग आके खरीदें, क्योंकि हमारे देश में BS6 वाली जो है इंजन टेक्नोलॉजी आने वाली है और मैंडेटरी हो गई है अब 1 अप्रैल से, जहाँ तक मैं जानता हूँ 1 अप्रैल 2020 से। अब हुआ क्या कि हमारे देश में अब तक BS4 इंजन चलता था, अब जो है BS6 इंजन हमारा चलेगा। अब जो गाड़ी आएंगी उनमें BS6 टेक्नोलॉजी वाली इंजन आएंगी जिनमें पोल्यूशन काफ़ी कम होएगा। BS5 हम लाए नहीं क्योंकि पोल्यूशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। BS6 जो है वो दिल्ली में आ चुका है, BS6 पूरे इंडिया में अब लागू होएगा, और इसके लिए जो BS4 वाली जो स्टॉक वाली जो गाड़ियाँ हैं वो अभी भी स्टॉक गोदामों में पड़ी हुई है, क्योंकि लोग सोच रहे हैं BS6 वाली इंजन वाली जो गाड़ियाँ हैं वो हम खरीदेंगे तो BS4 वाली क्यों खरीदें। तो ये भी एक दिक्कत है, इस वजह से भी हमको काफ़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कह रही है कि टैक्स में छूट चाहिए, और ये कह रहे हैं हमको टैक्स ब्रेक चाहिए, और टैक्स ब्रेक मिलेगा तो सब कुछ होएगा। दूसरा हम बात करते हैं FMCG की, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की। ये ऐसा सेक्टर है जैसे बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, कुरकुरे, ये सब जो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मतलब इनके, अब देखो बिस्किट वगैरह की सेल हट हो रही है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को ऐसा माना जाता था कि इनकी सेल कभी रुकती नहीं है, ये सेल हमेशा होती रहती है, लेकिन अभी भी इनकी सेल रुक गई। तो माना जा रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर से देखो कितना, मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर स्लो डाउन में है, गाड़ियाँ बिक नहीं रही, तो कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा, इकोनॉमी रुकी हुई है, तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर सेक्टर गुड्स भी रुक गया। तो हमको जो क्या करना पड़ेगा, हमको इनकी इनकम बढ़ानी पड़ेगी, किराना जो दुकानें होती हैं उनकी इनकम बढ़ानी पड़ेगी, इनकम सपोर्ट देना पड़ेगा, और लोगों की जो इनकम बढ़ा के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को हम आगे लेके जा सकते हैं। एक होप ये भी है कि GST रेट्स को कट करनी पड़ेगी, मर्ज करना पड़ेगा, और काफ़ी कुछ हमको करना पड़ेगा फाइनेंस फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में। गवर्नमेंट को स्मॉल शॉप्स का ख्याल रखना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देखो काफ़ी ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ मिलती है, और बिजनेस टू बिजनेस यहाँ पे इनका बिजनेस रहता है, मतलब कोई भी ऑफिस बनाने होते हैं किसी को, बिल्डिंग बनानी होती है कंपनियों को, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर काफ़ी ज़रूरी होता है, और लोगों को घर खरीदना होता है तो भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा काम होता है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर काफ़ी लाखों करोड़ों लोगों को नौकरियाँ देता है, हालांकि ये ठंडे बस्ते में है क्योंकि इन पर अभी फाइनेंस नहीं मिल पा रहा। भाई जिस तरीके से बैंक कंपनियाँ दिवालियाँ हो रही है, अभी फाइनेंस अवेलेबिलिटी नहीं है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ में अभी क्राइसिस आ रहा है, पैसा नहीं है,
तो ये जो डेवलपर होते हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते हैं, इनके पास पैसा नहीं आ रहा, और जो जो अभी बिल्डिंग बन गई वो बिक नहीं रही, तो कहीं ना कहीं जो है हमको इनको सुधार लाना पड़ेगा और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी हमको काम करना पड़ेगा, छूट देनी पड़ेगी, मतलब GST में छूट देनी पड़ेगी, और डेवलपर्स को वन टाइम इंसेंटिव देना पड़ेगा, और लोगों को भी छूट देनी पड़ेगी कि अगर घर खरीदते हैं तो उनको टैक्स में छूट मिल जाएगी, और कई चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट सेक्टर बिल्कुल अलग सोचता है, कॉर्पोरेट सेक्टर बिल्कुल हमारी जैसे सोचता है, और कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो हमारी चिंता करता है, क्योंकि अगर देश का आम आदमी सही रहेगा तो इनकी कंपनियाँ भी अच्छी तरीके से चलेंगी। ये बात करते हैं ICJ ऑर्डर रोहिंग्या अपहोल्ड्स मैजेस्टी ऑफ लॉ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की यहाँ पे बात की जा रही है। देखो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की मैं बात करूँ, गाम्बिया में केस लेके गया म्यांमार के खिलाफ, कहा कि म्यांमार जो है रोहिंग्या के साथ गलत कर रहा है, और सवाल उठ रहे थे, हालांकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऑर्डर दिया है म्यांमार को कि आप जो है हर 6 महीने के अंदर हमको रिपोर्ट देंगे कि आप रोहिंग्या के साथ क्या किस तरीके से काम कर रहे हैं, और एविडेंस छुपाने की कोशिश नहीं करेंगे। हालांकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गाम्बिया जब ये केस लेके गया, गाम्बिया देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन से बिलोंग करता है, उसका एक मेंबर है, तो उसका सपोर्ट था, गाम्बिया कोई नेबरिंग कंट्री नहीं है म्यांमार की, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हालांकि गाम्बिया को लगा कि रोहिंग्या मुस्लिम्स पर अत्याचार हो रहा है, तो वो गया, ICJ ने वर्डिक्ट दिया कि भैया ऐसा है कि रोहिंग्या का ख्याल रखना पड़ेगा, और इंडिया ने इसमें क्या स्टेंस लिया, इंडिया कभी रोहिंग्या को म्यांमार को क्रिटिसाइज नहीं किया, हमने एग्रीमेंट भी किया है कि रोहिंग्या को सही सलामत जो है रखा जाएगा, और उनको वापस जो है सही तरीके से उनका रिपीटेशन किया जाएगा। देखना यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात किस तरीके से म्यांमार मानता है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि इस कई कन्वेंशंस के जो है वोलेट यहाँ पे म्यांमार ने किया है। हालांकि ICJ में केस वही जा सकता है जो दो कंट्री के बीच में हो, लेकिन ट्रीटीज कन्वेंशंस का भी अगर वॉयलेशन हुआ है तो ICJ यहाँ पे केस लेके ICJ के पास केस जा सकता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर द हेग्यू नीदरलैंड्स में, ये यूनाइटेड नेशंस का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, यूनाइटेड नेशंस के जितने भी प्रिंसिपल ऑर्गन है, सिक्योरिटी काउंसिल और जो जनरल असेंबली, सेक्रेटरियट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सबके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये आपका बहुत पहले ही आ गया था, और इसका हेडक्वार्टर द हेग्यू नीदरलैंड्स में है, तो ये आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से काम होता है।